नमस्कार दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं और चलिए चर्चा करते हैं इस वीडियो में कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए दिनांक 15 जून से 21 जून तक का सप्ताह कैसा रहेगा। तो सबसे पहले ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की ही चर्चा करेंगे। 15 जून की अगर बात की जाए तो 15 जून को चंद्रमा आपके लाभ भाव में ट्रांजिट करेंगे मेन राशि में। तो लाभ भाव यानी 11th हाउस में ये ट्रांजिट आपके लिए धन संबंधी मामलों को लेकर अच्छा रहेगा। बड़े भाई का आपको सहयोग मिलेगा, साथ ही आपको कुछ नए दोस्त भी इस दौरान मिल सकते हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। आपका नेटवर्क सर्किल बढ़ेगा, आपकी जो पहचान है वो बढ़ेगी, आपके सर्किल में आपकी पहचान बढ़ेगी, साथ ही आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा। इस दौरान आप कोई जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह जैसा कोई काम करते हैं तो उससे भी पैसे आने की संभावना बनेगी। हालांकि ऐसे कामों में आप ना जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता चल रही थी तो वो अब दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही आप अपनी एजुकेशन को लेकर कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति जो है 12वें भाव में रहेगी आपके, ये रहेगी 16 और 17 जून को। 16 और 17 जून का समय थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा, किसी भी काम में बार बार रुकावट आएगी, साथ ही कोई भी काम बनता बनता आपका बिगड़ जाएगा, तो एक तरह से थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति आपके मन में आएगी, आपके मन में थोड़े से नेगेटिव विचार आएंगे, लेकिन इन सब से आप निपट सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चिंता है वो स्वास्थ्य की है और इन 2 दिनों में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। 16 और 17 जून को आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए पैसे को लेके तो इन दिनों में खर्चा भी काफी ज्यादा होगा और आपका पैसा कहीं पर फंस सकता है। आप किसी से वाद विवाद ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद की अगर स्थितियों की बात की जाए तो 18, 19 और 20 जून को चंद्रमा आपके लगन में यानी राशि स्थान में ट्रांजिट करेंगे। तो राशि स्थान में ट्रांजिट करने की वजह से आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 18, 19 और 20 जून को आप थोड़ा सा हालांकि भावुक जरूर फील करेंगे, इमोशनल फील करेंगे, लेकिन ये समय आपको खुद पर ध्यान देने का है, साथ ही आपके बिजनेस पर, आपकी पार्टनरशिप पर, आपकी मैरिज लाइफ पर ये बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। तो ये जो 3 दिन रहेंगे उसमें आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, आपको हर प्रकार के जो आपके कार्य हैं उनमें सहायता मिलेगी, वो आपके बनते चले जाएंगे और एक अलग ही आप में एटीट्यूड रहेगा। 18, 19 और 20 जून को बहुत ही पॉजिटिव, जो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटेंशन आपका रहेगा हर काम के प्रति। इसके बाद की अगर स्थितियों की बात करें तो चंद्रमा आपके 21 जून को राहु के साथ मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। ये थोड़ी सी मानसिक स्थिति हालांकि यहाँ पर खराब हो सकती है आपकी, बाकी धन के लिए ये स्थिति काफी अच्छी है। थोड़ा बहुत कहीं आपको कुछ झूठ भी बोलना पड़ सकता है तो झूठ बोलने से बचें। साथ ही यहाँ पर राहु के साथ चंद्रमा होने से आपको बार बार मूड चेंज होने की जो समस्या है वो रह सकती है और मूड चेंज होने से आप थोड़े टाइम बाद कुछ और काम कर रहे हैं उसके बाद उस काम को छोड़कर आप किसी और काम में लग जाएंगे, तो आप ऐसा ना करें। आपको पहले एक काम को पूरा करना चाहिए, उसके बाद अगले काम को देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो सप्ताह रहेगा उसमें कुल मिलाकर धन की जो स्थिति है वो अच्छी रहेगी। हालांकि कुछ दिनों में आपको धन का खर्चा ज्यादा रहेगा, बाकी ओवरऑल ये जो सप्ताह है वो काफी अच्छा रहेगा। तो इस सप्ताह में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा ग्रीन यानी कि हरा, और शुभ अंक इनके लिए रहेगा 9। तो फिलहाल बस साप्ताहिक राशिफल में इतना ही।